हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8 का। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल में से वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यानी कि जो सबसे छोटा एंगल है ना, तो एक एंगल जो है उस छोटे वाले एंगल का डबल है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। और उसी तरीके से जो दूसरा एंगल बच गया, तीसरा यानी कि लास्ट वाला एंगल, वो क्या है? थ्राइस है स्मॉलेस्ट का। थ्राइस यानी कि ट्रिपल है स्मॉलेस्ट का, यानी जो सबसे छोटा है उसका ट्रिपल है। तो फाइंड दी एंगल्स। अभी देखो, इस टाइप से अगर ट्वाइस थ्राइस करके लिखा हुआ है तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एकदम डिटेल में समझाता हूँ, ताकि इसका जो डाउट है आपके माइंड से एकदम क्लियर हो जाए। बाकी जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा, आपको पता ही है, उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों का हमने नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो अपने मन से। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो सबसे छोटा एंगल है वो एंगल नंबर ए है। आप किसी को भी मान सकते हो। मैं स्टार्टिंग से एंगल ए को सबसे छोटा मान लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट दी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एंगल बी एंगल ए, यानी कि जो एंगल ए है वो सबसे छोटा एंगल है। बाकी आप एग्जाम में भी ना डायग्राम बना दोगे ना, तो आपके टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे ने कौन से एंगल को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो डायग्राम भी बना देना, उससे टीचर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता चेक करने में। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो एंगल नंबर ए है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एक एंगल है, मान लो जो सेकेंड वाला एंगल बी है ना, वही क्या है? सबसे छोटे वाले एंगल का डबल है, ट्वाइस है। यानी कि एंगल बी अगर अपने को निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल ए से। यानी कि ये हमारा इक्वल करके लिखो, टू एंगल ए इस तरीके से आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना यानी कि सिंपल, वहाँ पर बस चिपक जाएगा वो, और कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से जो तीसरा एंगल है ना, जैसे कि एंगल नंबर सी, वो सबसे छोटे वाले का क्या है? थ्राइस है। थ्राइस यानी कि ट्रिपल है। यानी कि थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग एंगल ए से, तब अपने को एंगल सी का वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? थ्री एंगल ए लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमको ए, बी और सी तीनों चीज़ें मिल गई आसानी से। अब हम लोग जानते हैं कि ए, ए और ए यहाँ पर तीनों में आ रहा है, तो हम लोग वही एंगल सम प्रॉपर्टी का रूल लगा करके एंगल ए का मेजरमेंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लगा दो कि नाउ अब हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, किसी भी एक का वैल्यू निकालना है। तो देखो, बी में भी ए का वैल्यू आ गया है और सी में भी ए का वैल्यू आ गया है। हम लोग क्या करेंगे, बी और सी की जगह पर ये वाला जो ए वाला वैल्यू है ना, उसको पुट करेंगे। ए की जगह में तो ए रहने दो, ठीक है, बी की जगह में टू ए रह दो, टू सॉरी टू एंगल ए है। उसके बाद सी की जगह में थ्री एंगल ए इस तरीके से लिख दो, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री है। अब देखो, ये थ्री है, ये टू है, और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि एक वन छुपा हुआ है, ध्यान रखना। तो थ्री ए टू ए हो जाएगा 5 ए, 5 और 1 हो जाएगा 6 ए। तो टोटल 6 एंगल ए इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ सब ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए 6 उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और 6 देखो चिपका हुआ है, यानी कि वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के 6 जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा एंगल ए कितना निकल गया, 6 1 6 6 3 18, और ये 0 का 0 उतर जाएगा, यानी कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है। तो बस एंगल ए मिल गया, तो एंगल बी और सी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से, एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल ए का डबल है, सबसे छोटे वाले का ट्वाइस था। तो यहाँ पर हम लोग टू का मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल ए से, यानी कि एंगल ए की जगह पर अपने को 30 रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है। उसी तरीके से एंगल सी निकाल दीजिए आप, जो कि सबसे छोटे वाले का थ्राइस है, यानी कि ट्रिपल है। तो 3 मल्टीप्लाई एंगल ए, यानी कि हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 30, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो एंगल ए 30 है, तो एंगल बी 60 होगा, और एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपको तीनों एंगल्स को फाइंड करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन है ये चीज़ को समझना, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा का पूरा आपसे अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना, उनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।